होटल से बेदखल तेज प्रताप यादव। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी के होटल प्रबंधन ने बदसलूकी की और उन्हें सामान समेत बाहर निकाल दिया। उस दौरान तेज प्रताप अपने दोस्तों के साथ 80 घाट घूमने गए थे। तब होटल लौटे तो देखा कि सामान बाहर पड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने सिगरा पुलिस को होटल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी जो अपने मित्र हैं वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात तो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे को के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें CCTV फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को FIR भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। क्या मालूम चला कि कौन लोग थे वो लोग? होटल के GM का भी चेहरा उस CCTV फुटेज में आया है। क्या कुछ बातें हुई आप लोगों से? बातें हुई उन्होंने बताया कि कमरा, उनका कहना था कि कमरा एक ही बुक था आज के लिए, जबकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई फ़ोन किया गया था और बिना जानकारी दिए ऐसा कृत किया गया। तो सीधे सीधे मंत्री जी की सुरक्षा को लेकर ये मामला बनता है। और अभी वो कहाँ गए हैं? अभी वो काशी विश्वनाथ, जैसा वो बता के गए हैं कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। उनके साथ और भी कुछ लोग थे या कुछ कहने वाले थे कि मीडिया से बातचीत के लिए? पुलिस क्यों उनको मना कर दी? पुलिस ने मना नहीं किया, उन्होंने अपना एक FIR दी है और उसकी कॉपी मीडिया को भी दी गई है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। दरअसल तेज प्रताप यादव वाराणसी दौरे पर पहुंचे थे जहां वे सिगरा थाना क्षेत्र के अकाड़िया होटल में रुके थे। तेज प्रताप यादव देर रात बनारस में किसी काम के लिए गए हुए थे। इसी बीच लगभग 1 बजे होटल प्रबंधन ने तेज प्रताप यादव का लगेज उनके कमरे से बाहर निकालकर सिक्योरिटी रूम में रख दिया। तेज प्रताप यादव जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। बुकिंग का समय खत्म होने के बाद होटल से निकाला गया। मामला जब सामने आया तो पता चला कि जिस रूम में तेज प्रताप यादव रुके हुए थे वो सिर्फ एक दिन के लिए बुक हुआ था। रात 12 बजे के बाद होटल के GM ने सामान को बाहर निकलवा कर सिक्योरिटी रूम में रखवा दिया। होटल प्रबंधन पर बदसलूकी के आरोप। आरोप है कि सामान को खोलकर बैग को खंगाला गया। इस पर तेज प्रताप यादव ने होटल प्रबंधन पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की बात कही। वहीं सूचना मिलते ही सिगरा पुलिस मौके पर पहुंची और रजिस्टर समेत पूरी पड़ताल की। पुलिस को तहरीर देकर तेज प्रताप यादव बिहार के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने शुरू की शिकायत की जांच। बिहार के कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप की मौजूदगी में उनके सहायकों से होटल के खिलाफ शिकायत मिली। उनका सामान निकालने और कमरा खाली करके दूसरे को देने की जांच की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।